है दोस्तों, मेरा नाम है अश्वनी कुमार गोड़। मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कंप्यूटर का एक नया लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे कंप्यूटर के कुछ पार्ट के बारे में, कुछ कंपोनेंट के बारे में और कुछ इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में। मेरे साथ बने रहिए प्रोग्रामिंग विद अश्वनी में। मॉडर्न कंप्यूटर्स डिफाइंड, तो जो हमारे पास मॉडर्न कंप्यूटर है वो क्या है? मॉडर्न कंप्यूटर आर इलेक्ट्रिकल एंड डिजिटल। तो वे क्या है? इलेक्ट्रिकल भी है, डिजिटल भी है। अब डिजिटल की मीन्स बात कर लेते हैं। डिजिटल जो होता है वो हमारी बाइनरी की फॉर्म में होता है। बाइनरी फॉर्म क्या होती है? 0101 0101 0101, ये हमारी क्या होती है? बाइनरी फॉर्म होती है। और इसका बेस क्या होता है? 2 होता है। कंप्यूटर के द्वारा कर सकते हैं, डेटा को स्टोर करा सकते हैं, डेटा को प्रोसेस करा सकते हैं, डेटा को मैनिपुलेट करा सकते हैं, और डेटा को परमानेंटली क्या कर सकते हैं? डेटा को रिटेन कर सकते हैं अपनी हार्ड डिस्क में। ठीक है, तो अब कंप्यूटर के बहुत पार्ट्स हैं, अलग अलग प्रकार के पार्ट हैं। तो मैंने बताया था कंप्यूटर के जो कोर पार्ट हैं, इसमें क्या क्या है? एक सॉफ्टवेयर होता है, एक हार्डवेयर होता है। तो कंप्यूटर जो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ठीक है। और जो हमारे पास जो हार्डवेयर होता है वो क्या होता है? वायर होता है, ट्रांजिस्टर होता है और सर्किट्स होते हैं, जिन्हें हम हार्डवेयर बोलते हैं। और हमारे पास जो डेटा होता है और जो पीस वो प्रोग्राम होते हैं और इंस्ट्रक्शन होती है, वे क्या होता है? हमारा सॉफ्टवेयर होता है। अब सॉफ्टवेयर भी बहुत सारे प्रकार के, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, तो उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर कैसा होता है। तो हमारे पास कंप्यूटर जो होता है वो इस प्रकार का कंप्यूटर होता है हमारे पास। उसमें क्या होता है? एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है, आउटपुट डिवाइस होती है, सिस्टम यूनिट होती है और स्टोरेज डिवाइस होती है। तो कंप्यूटर मेन मेन पार्ट कंप्यूटर के 4 पार्ट होते हैं। पहला क्या होता है? उसका मॉनिटर होता है, दूसरा माउस होता है, तीसरा कीबोर्ड होता है, चौथा क्या होता है? कैबिनेट होता है, और पांचवा क्या होता है हमारे पास? उसका यूपीएस होता है। तो ये हमारे पास 4 तो मेन पार्ट है ही, ठीक है, और पार्ट तो बहुत सारे हैं इसके। ऑल जनरल पर्पज द कंप्यूटर रिक्वायर द फॉलोइंग हार्डवेयर कंपोनेंट। इसमें कौन कौन से कंपोनेंट है? एक मेमोरी है हमारे पास, एक मास स्टोरेज डिवाइस है, एक इनपुट डिवाइस है, एक आउटपुट डिवाइस है, एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। तो मेमोरी क्या होती है? जिसमें हम डेटा को क्या करते हैं? हम सेव करते हैं, या डेटा को हम क्या करते हैं? स्टोर करते हैं, वो क्या होती है? हमारी मेमोरी होती है, ठीक है। और मेमोरी भी हमारी 2 प्रकार की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है, जिसे हम एक को परमानेंट मेमोरी बोलते हैं, एक को नॉन परमानेंट मेमोरी बोलते हैं। तो मेमोरी के अंदर जैसे हमारे पर रैम है, रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, ठीक है, होती है सेकेंडरी मेमोरी, जैसे हम हार्ड डिस्क बोलते हैं या फिर सॉलिड स्टेट ड्राइव बोलते हैं या फिर हम फ्लॉपी ड्राइव बोलते हैं। क्योंकि पहले के कंप्यूटर में क्या होता था? फ्लॉपी ड्राइव होती थी, एंड आफ्टर दैट क्या हुआ? हार्ड डिस्क हुई, और अब क्या चल रहा है? हमारा सॉलिड स्टेट ड्राइव चल रहा है, और M SATA का यूज भी हो रहा है, क्योंकि हमारे जो हार्ड डिस्क और आटा पाटा साटा 3 भागों में क्या होती है? डिवाइड होती है। उसके बाद में हम बात करते हैं इनपुट डिवाइस के बारे में, जिसके द्वारा हमें इनपुट मिलता है वो क्या होती है? हमारी इनपुट डिवाइस होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कीबोर्ड के बारे में बताया था, माउस के बारे में बताया था, तो ये सब क्या है हमारे पास? कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस क्या होती है? उसकी जो मेन रूप से हम देखते हैं, स्कैनर होता है, स्क्रीन जो होती है हमारे पास उसकी, या फिर मॉनिटर जिसे बोलते हैं हमारे पास, एक प्रिंटर होता है, उससे भी आउटपुट डिवाइस हम निकालते हैं। स्कैनर जो होता है वो हमारे पास इनपुट डिवाइस होती है, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बाद जैसे हम सीपीयू बोलते हैं, जैसे हम कंप्यूटर का दिमाग बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं? 2 भाग होते हैं, एक भाग तो होता है कंट्रोल यूनिट होता है, एक भाग होता है ALU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है, जिसके द्वारा हम मैथमेटिकल कंप्यूटेशन क्या करते हैं? सोल्व करते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं